तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन नंबर हम चार देखने जा रहे हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है एनसीईआरटी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ट्रिकी क्वेश्चन है, आते भी हैं एग्जाम्स के लिए, टू मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। तो ध्यान से देखिएगा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4। तो कहता है एनसीईआरटी में किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटमीकृत होता है, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है। ठीक, किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटमीकृत होता है, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है। मैं एग्जांपल देते हैं, बहुत सिंपली आप लोग समझ जाएगा। छोड़ते इस क्वेश्चन को, थोड़ा अलग आते हैं, अलग आकर देखते हैं कि इस क्वेश्चन को आप कैसे समझ सकते हैं। हम ऐसे ही मास पर लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर बना रहे हैं। जैसे हम लेते हैं एक दीवार लेते हैं, जस्ट मास के ऊपर एग्जाम्पल, जस्ट सिंपली हम लोग देख लेते हैं कि एक वाल बनाते हैं। इस वाल में कितने ईंट हैं, ब्रिक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर एक ईंट का वजन पर ईंट 2 kg है, पर ईंट 2 kg है, तो 6 के लिए कितना होगा। तो क्या करेंगे, कितना नंबर है इसका, अच्छा n देखेंगे। अच्छा उसके बाद इसका मास कितना है, एक का मास, यूनिट का मास कितना है, ओहो यूनिट का मास 2 है। इसका मतलब हो गया कि n के जगह पर तो 6 है, इनटू 2 हो गया। तो इस दीवार का वजन कितना हो गया, तो इस दीवार का वजन हो गया 12 kg। लेट्स टेक एग्जांपल के तौर पर, 12 kg कैसे दीवार होगा, हम एग्जांपल ले। इस तरह से अगर कहा जाए, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर, जो हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन को ले रहे थे, जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कहता है क्या, वैद्युत आवेश क्वांटमीकृत होता है, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है। तो इस प्रकथन से यही तात्पर्य है कि किसी वस्तु पर मौजूद कुल आवेश, किसी वस्तु पर मौजूद कुल आवेश क्यू, किसी वस्तु पर मौजूद कुल आवेश क्यू मूल आवेश के पूर्ण गुणज होता है। मूल आवेश के पूर्ण गुणज होते हैं, मूल आवेश के पूर्ण गुणज का मतलब हो गया कि मूल आवेश का मतलब हो गया E, इसका पूर्ण गुणज का मतलब जितना नंबर है, और एक प्लस में भी हो सकता है और एक माइनस में भी हो सकता है। इसका मतलब क्वांटमीकरण यही दिखाता है, Q बराबर प्लस माइनस एन, किसी वस्तु पर मौजूद कुल आवेश मूल आवेश, अच्छा इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। बस एक बात और कह रहा है इसी क्वेश्चन में, दूसरा पार्ट से, इस क्वेश्चन में दूसरा पार्ट पर कह रहा है क्या कि बड़े अथवा स्थूल, बहुत बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा क्यों कर देते हैं। तो हमें एग्जांपल दिए थे, आप लोग को याद होगा, थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिए थे कि एक दीवार छोटा सा बनाए थे, उसमें 6 ब्रिक्स थे, ठीक है 6 ब्रिक्स थे, तो आप गिन लिए। अगर पूरा बिल्डिंग हो जाता, अब हम कहते पीसा के मीनार में कितने ईंट्स लगे हुए हैं, तो नहीं बता सकते ना, क्योंकि स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर आवेशों का वितरण सतत होता है, इतना अधिक हो जाएगा कि गणना संभव नहीं होगा। तो स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर आवेशों की गणना संभव नहीं है, छोटे पैमाने पर हम गण सकते हैं, जैसे हम छोटा सा ईंट दीवार बनाकर बता दिए आपको, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर हम गण नहीं सकते। यही कारण है कि स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर आवेशों की अधिकता, मतलब उसके बहुत सारे आवेश सतत वितरण और अधिकता के कारण गणना संभव, क्वांटमीकरण संभव नहीं है।